नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज और मैं अनुष्का सिन्हा। भगवान राम के जन्मभूमि के बारे में विवादित बयान दिए जाने के मामले में सीतामढ़ी के अदालत में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ परिवाद दायर किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने ऑनलाइन आवेदन दायर किया है। अधिवक्ता का कहना है कि नेपाली पीएम के इस बयान से हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची है। वह खुद भी हिंदू सनातन धर्म की अनुयायी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। टेलीविज़न पर जब वो ये समाचार सुन रहे थे, इस दौरान पीएम ओली के बयान को सुनकर स्तब्ध रह गए। इसे आहत होकर उन्होंने विरोध परिवाद दायर करने का फैसला किया। अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने रात में ही ऑनलाइन परिवाद दायर करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थान को लेकर उन्होंने कहा है कि भारत जो है नकली अयोध्या खड़ा करके धार्मिक व ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। असली अयोध्या राम जी का यानी नेपाल में उनका कथन है, जो कि बिल्कुल ही उसके बयान से पूरा हिंदू सनातन धर्म के लोग आहत है, उनकी हमारी भी मानसिक और धार्मिक भावना आहत हुई है। इसी एवज में हमने उनके बयान के खिलाफ स्थानीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर किया है, जिसकी सुनवाई 16 तारीख की तिथि को सुनिश्चित रहेगी। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।